हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी ए आर इस वीडियो में हम ट्रांजिस्टर रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और लास्ट में हमने बाइजिंग से रिलेटेड एक नोमेरिकल भी लिया है उसको भी देखेंगे ये क्वेश्चन आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं जो क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिए हैं ये पहले भी किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं आप इस वीडियो को एज ए टेस्ट की तरह देखना क्वेश्चन पढ़ने के बाद वीडियो पॉज करना और क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना और कमेंट में बताना आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं अगर आपको इस लेक्चर का पी चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए इसकी पी डी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को क्लास सी एम्पलीफायर ऑपरेट्स इसका जो राइट right आंसर है वो है लेस देन हाफ ऑफ द साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल क्लास सी एम्पलीफायर का कंडक्शन एंगल एक डिग्री से कम होता है इसलिए ये इनपुट की हाफ साइकिल से भी कम समय के लिए कंडक्शन में रहता है क्लास सी एम्पलीफायर की एफिशिएंसी सत्तासी दशमलव पाँच परसेंट होती है वहीं क्लास ए एम्पलीफायर का कंडक्शन एंगल तीन सौ साठ डिग्री और एफिशिएंसी पचास परसेंट होती है क्लास बी एम्पलीफायर का कंडक्शन एंगल एक सौ अस्सी डिग्री और एफिशिएंसी पचहत्तर परसेंट होती है क्लास ए बी एम्पलीफायर का कंडक्शन एंगल एक सौ अस्सी डिग्री से तीन सौ साठ डिग्री के बीच में होता है और एफिशिएंसी 78.5 परसेंट तक रहती है अगला देखते हैं एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर प्रोसेस किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस या इनपुट इम्पिडेंस बहुत ही ज़्यादा होती है और आउटपुट इम्पिडेंस या आउटपुट रजिस्टेंस बहुत ही कम होता है इसका जो राइट right आंसर है वो है थर्ड वाला ऑप्शन वेरी लार्ज इनपुट रजिस्टेंस एंड वेरी स्मॉल आउटपुट रजिस्टेंस ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक स्पेशल एम्पलीफायर होता है जिसकी इनपुट इम्पिडेंस वेरी हाई आइडियल केस में ये इनफाइनाइट होती है और आउटपुट इम्पिडेंस बहुत ही कम और आइडियल केस में ये ज़ीरो होती है ऑपरेशनल एम्पलीफायर आइडियल केस में वोल्टेज गेन बैंड कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो यानी सी एम आर आर और स्ल्यू रेट इनफाइनाइट होते हैं ठीक है ये सब आइडियल केस में इनफाइनाइट होते हैं द डार्लिंगटन पेयर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेजेस डार्लिंगटन पेयर में बेसिकली दो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर स्टेज को यूज किया जाता है तो जो इसका राइट right आंसर है वो है बोथ सी सी यानी कॉमन कलेक्टर। डार्लिंगटन पेयर को हम सुपर बीटा सर्किट भी कहते हैं इस सर्किट का इनपुट इम्पिडेंस बहुत ही हाई और आउटपुट इम्पिडेंस बहुत ही कम होता है एक और बात ध्यान रखिए कॉमन का पावर गेन हाईएस्ट होता है द मेन रीजन फॉर द प्रेजेंस ऑफ क्रॉस ओवर डिस्ट्रॉशन इन एन एम्पलीफायर इज द किसी भी सर्किट में क्रॉस ओवर होने का मुख्य कारण है ट्रांजिस्टर की नॉन लीनियर कैरेक्टरस्टिक्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है ट्रांजिस्टर की क्लास बी में बाइसिंग ऑप्शन नंबर टू बाइसिंग इन क्लास बी कंडीशन क्लास बी में ट्रांजिस्टर के क्यू पॉइंट को कट ऑफ पे बायस किया जाता है जिस समय ट्रांजिस्टर की इनपुट वोल्टेज ट्रांजिस्टर के बैरियर पोटेंशियल से कम होती है उस समय ट्रांजिस्टर नॉन लीनियर कंडीशन में आ जाता है इसी को हम बोलते हैं क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन ए ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटेड एज ए नॉन सैचुरेटेड स्विच टू एलिमिनेट इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर टू टर्न ऑफ टाइम द मोस्ट हैवीली डोप्ड रीजन इन ए बीजेटी इज ट्रांजिस्टर में सबसे हैवी डोपिंग एमीटर की फिर कलेक्टर की और लास्ट में बेस की यानी बेस्ट लाइटली डोप्ड रीजन होता है वहीं एरिया वाइज बात करें तो सबसे बड़ा रीजन कलेक्टर उसके बाद एमिटर और लास्ट में बेस का होता है तो जिसका राइट आंसर है वो है सेकेंड ऑप्शन एमिटर द वोल्टेज गेन ऑफ ए कॉमन एमिटर एम्पलीफायर इज कॉमन एमिटर का वोल्टेज गेन कलेक्टर बेस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसका राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कलेक्टर बेस करंट बेस्ट बाइज इज एसोसिएटेड विद किसी भी ट्रांजिस्टर की बाइजिंग हम क्यू पॉइंट को फिक्स करने के लिए करते हैं तो इसका राइट right आंसर है स्टेबल क्यू पॉइंट विच बीजेटी बाइजिंग कन्फिग्रेशन हैज़ द हाइस्ट बाइज स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी वोल्टेज डिवाइडर बाइस की होती है आंसर है वोल्टेज डिवाइडर बाइज इन द ट्रांजिस्टर सर्किट पावर डिसिपेशन इज मैक्सिम इन याद रखिए इस क्वेश्चन का आंसर सेचुरेशन रीजन नहीं है इसका सही आंसर है एक्टिव रीजन एक्टिव रीजन में सबसे ज़्यादा पावर डिसिपेट होती है स्टेबिलिटी फैक्टर इन आइडियल केस इज किसी भी बाइजिंग सर्किट का स्टेबिलिटी फैक्टर आइडियली वन होता है तो जो इसका राइट right आंसर है वो है ऑप्शन नंबर वन ए ट्रांजिस्टर इज सेट टू बी इन क्यूसेंड स्टेट वैन जब ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर के इनपुट पर कोई भी सिग्नल अप्लाई नहीं किया जाता है उस कंडीशन में उस समय ट्रांजिस्टर को क्यूज़न स्टेट कहते हैं तो जो इसका राइट right आंसर है वो है नो इनपुट अप्लाइड अब हम ट्रांजिस्टर बाइजिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन फिक्स बाइजिंग का है यदि आपको बाइजिंग से रिलेटेड और एम चाहिए तो बताइएगा कमेंट करके चलिए अपना क्वेश्चन देखते हैं फॉर द फिक्स्ड बाइज कन्फिग्रेशन डिटरमाइन द फॉलोइंग ठीक है हमें डिटरमाइन करना है आई सी कलेक्टर करंट को वी सी सी बाइजिंग पोटेंशियल को बीटा एम्पलीफिकेशन फैक्टर और आर बी रजिस्टेंस जो बेस के साथ सीरीज में कनेक्ट है इस सर्किट में गिबन है आर सी रजिस्टेंस जो कलेक्टर के साथ सीरीज में कनेक्ट है जिसकी वैल्यू है टू पॉइंट सेवन किलो ओम आई बी बेस करंट ट्वेंटी माइक्रो एमपियर एमीटर करंट आई फोर मिली एम्पियर और वी सी आउटपुट वोल्टेज सेवन पॉइंट टू वोल्ट सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे आईसी कलेक्टर करंट को हम जानते हैं कि एमीटर करंट कलेक्टर करंट और बेस करंट का सम होती है इस क्वेश्चन में बेस करंट और कलेक्टर करंट की वैल्यू गिवन है इसे इसलिए हम कलेक्टर करंट को आसानी से फाइंड कर सकते हैं कलेक्टर करंट बराबर हो जाएगा एमीटर करंट माइनस बेस करंट जहां एमीटर इक्वल टू फोर मिली एम्पियर और बेस इक्वल टू आई बी यानी बेस करंट इक्वल टू ट्वेंटी माइक्रो एम्पियर हम ट्वेंटी माइक्रो एम्पियर को जीरो पॉइंट ज़ीरो टू मिली एम्पियर भी लिख सकते हैं ठीक है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आईसी बराबर मिलेगा थ्री पॉइंट नाइन एट मिली एम ये पहले पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कलेक्टर करंट आई इक्वल टू हो जाएगी थ्री पॉइंट नाइन एट मिली एम अब हम कैलकुलेट करेंगे वी सी सी वी सी सी कैलकुलेट करने के लिए हम आउटपुट लूप में के वी एल अप्लाई करेंगे जब हम के अप्लाई करेंगे तो हमें एक के वी इक्वेशन मिल जाएगी वी सी सी माइनस आई सी इंटू टू पॉइंट सेवन किलो ओम माइनस सेवन पॉइंट टू वोल्ट इजिकल टू जीरो इस इक्वेशन में हम वी सी सी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि आई सी हम फाइंड कर चुके हैं थ्री पॉइंट नाइन एट मिलियम पियर इस क्वेश्चन में आई सी की वैल्यू रखने के बाद आई सी की वैल्यू रखने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे तो जो हमें वी सी सी की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी सेवनटीन पॉइंट नाइन फोर सिक्स ठीक है तो क्वेश्चन नंबर टू का ये आंसर हो जाएगा वी सी सी टू सेवेंटीन पॉइंट नाइन फोर सिक्स अब हमें फाइंड करना है बीटा बीटा बराबर होता है आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट यानी आईसी अपॉन आईबी। आईसी बराबर है थ्री पॉइंट नाइन एट मिली मीयर और आईबी बराबर है ट्वेंटी माइक्रो एम्पियर इसलिए बीटा बराबर हो जाएगा वन नाइन्टी नाइन तो थर्ड पार्ट का ये आंसर हो जाएगा एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इज इक्वल टू वन नाइन्टी नाइन लास्ट में हमें फ़ाइंड करना है आर बी बेस रेजिस्टेंस को इसके लिए हम इनपुट में अप्लाई करना पड़ेगा के को इनपुट लूप में हम के अप्लाई करेंगे तब हमें केवल इक्वेशन मिल जाएगी वी सी सी माइनस आई बी इंटू आर बी माइनस वी बी ई जहाँ वी बी ई बैरियर पोटेंशियल है ट्रांजिस्टर के लिए जिसकी वैल्यू जर्मीनियम के लिए जीरो पॉइंट थ्री और सिलिकॉन के लिए ज़ीरो पॉइंट सेवन वोल्ट होती है ये ट्रांजिस्टर हम मान के चलते हैं कि सिलिकॉन का है तो इसकी वैल्यू वी ई की वैल्यू हम जीरो पॉइंट सेवन मान के चलेंगे जब हम इस क्वेश्चन में इनकी वैल्यू रखते हैं तो वी -सी -सी की वैल्यू नाइनटीन पॉइंट नाइन फोर सिक्स माइनस ट्वेंटी माइक्रो एम्पियर इंटू आर बी माइनस ज़ीरो पॉइंट सेवन टू ज़ीरो यहाँ से हमें आर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आर की वैल्यू मिल जाएगी एट सिक्स टू पॉइंट थ्री किलो ओम्स ठीक है तो जो बेस रजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई हमें एट सिक्स टू पॉइंट थ्री किलो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा लोगों तक वीडियो शेयर करिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद